हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके गुल रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्रेड से बनने वाले गुलाब जामुन की एक बहुत ही बढ़िया और एकदम इजी रेसिपी। देखिए, ये हमारे गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट दिख रहे हैं और एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बने हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाने की रेसिपी हम देखेंगे सिंपल दो स्टेप्स में। पहले हम तैयार कर लेंगे चाशनी। इसके लिए सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, इसमें आधा किलो शक्कर डालेंगे और अब डाल देंगे इसमें एक कप पानी और फ्लेम को रखेंगे हम हाई। लगभग 3 से 4 मिनट में पूरी शक्कर मेल्ट हो चुकी है। एक उबाल आते ही फ्लेम कर देंगे लो। फ्रेंड्स, ध्यान रहे चाशनी को हमें ज्यादा गाढ़ा होने नहीं देना है। हमने काफी कम पानी डाला है, इसलिए चाशनी हमारी जल्दी से तैयार हो जाएगी। लगभग 3 से 4 मिनट बाद एक ड्रॉप चाशनी का प्लेट में डालकर चेक करेंगे और अब इस चाशनी को उंगलियों के बीच में रखकर इस तरह से देखेंगे। चाशनी में हल्का सा चिकनापन आ चुका है। इस चाशनी में हमें तार नहीं बनने देना है। ये चाशनी हमारी अब तैयार हो चुकी है। इसी समय तुरंत इसमें हम पिसी हुई केसर की पत्तियां डालेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 10 से 12 केसर की पत्तियां मैंने भिगो कर रखी थी और अब डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और अब इन्हें चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हमें डालना है 5-7 बूंदे नींबू के रस की। फ्रेंड्स, नींबू के रस का डालने का फायदा ये है कि चाशनी ठंडी होने के बाद भी शक्कर के क्रिस्टल्स फॉर्म नहीं होंगे। इसका जो फॉर्म अभी गर्म में है, ठंडा होने पर भी एज इट इज मेंटेन रहेगा। अब गैस बंद कर देंगे और इस चाशनी को निकाल लेंगे एक बड़े बाउल में। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी पहली स्टेप कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारी दूसरी स्टेप पर। इसके लिए 5-7 किनारी निकली हुई ब्रेड ली है मैंने और लेना है लगभग 1 कप दूध। इन ब्रेड्स के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। फ्रेंड्स, दूध जो हमने लिया है वो ठंडा ही है और फुल फैट मिल्क है। देखिए, अब ब्रेड के पीसेस तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और ब्रेड और दूध को मिलाते हुए मैश करते जाएंगे। फिर से दूध डालेंगे और मैश करते जाएंगे। देखिए, इसके बाद इसे इस तरह से बाइंड करके चेक करेंगे। अब ये परफेक्टली बाइंड हो पा रहा है, मतलब इसमें और दूध हमें नहीं डालना पड़ेगा। अब इसे 3-4 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 3-4 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन हटाएंगे और इसे डो की तरह गूंथते हुए तैयार कर लेंगे और एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब हथेलियों पर हल्का सा घी लगाकर चिकना कर लेंगे और इस डो में से छोटी छोटी गोलियां लेकर गुलाब जामुन तैयार करेंगे। गुलाब जामुन का साइज आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। देखिए, इसे मैं अच्छी तरह से मैश करते हुए गोलियां बना रही हूँ ताकि जब भी गुलाब जामुन तैयार हो तो इसमें एक भी क्रेक ना रहे। इसी तरह से पूरे डो से हम एक समान साइज के गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब बारी है इन्हें तलने की। गैस ऑन करके घी गरम करने रखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी गुलाब जामुन बनाना हो तो घी तेज गरम नहीं करना होता है, लो फ्लेम पर ही सिर्फ घी मेल्ट करना होता है और जैसे ही घी मेल्ट होकर हल्का सा गरम होगा तुरंत उसी समय ये गुलाब जामुन हम घी में डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने की ये सबसे मेन ट्रिक है। अगर आप एकदम लो फ्लेम पर गुलाब जामुन तलेंगे तो अंदर तक सिकाई बहुत ही अच्छी होगी और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बन पाएंगे। देखिए, गुलाब जामुन कढ़ाई में डालने के बाद गुलाब जामुन को हम शुरू में बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, सिर्फ घी को थोड़ा सा हिलाते जाएंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, अब एक गुलाब जामुन मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, इसके ऊपर की लेयर अब हल्की सी कड़क हो गई है। इसके बाद अब हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। अब इन्हें हम थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्रेंड्स, काफी सारे चैनल्स पर मैंने गुलाब जामुन की रेसिपी देखी थी और काफी लोगों ने कमेंट में बताया था कि अंदर गांठ रह गई थी और अंदर तक चाशनी भी नहीं गई तो टेस्ट में भी अच्छे नहीं लगे। लेकिन मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ उससे आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको इतना करना होगा कि इसकी सिकाई एकदम शांति से करनी होगी। लगभग 8 से 10 मिनट इसकी सिकाई करनी है, वो भी एकदम लो फ्लेम पर।
और अगर आप इसको शुद्ध घी में बनाएंगे तो ये एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इन गुलाब जामुनों को तलते हुए हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए ये एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और तुरंत इन्हें चाशनी में डिप करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप तुरंत ही खाना चाहते हो तो इन्हें चाशनी के साथ अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे, और अगर खाना चाहते हो देर से तो गरम चाशनी में डुबा कर रहने देंगे, और जब भी खाना हो गरम करके खाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ब्रेड के गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी अब्सॉर्ब होने में 2-3 घंटे लगते हैं, इसलिए इसे एक बार चाशनी के साथ बॉईल करके 1-2 घंटे के बाद खाएं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस तरह से ये हमारे सुपर डिलीशियस सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड के गुलाब जामुन बनकर तैयार है। केसर और इलायची से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए, एक गुलाब जामुन मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये एकदम सॉफ्ट बना है और अंदर तक चाशनी एब्जॉर्ब हो गई है, बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़ी है। फ्रेंड्स, अगर आप खाएंगे इसी गुलाब जामुन को मिल्क में डालकर तो ये और भी स्वादिष्ट लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी से गुलाब जामुन, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी के वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप जानना चाहते हैं और भी कोई रेसिपी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।